एब्सोल्युटली गुड 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 बेटर बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली कुछ वायरल क्रेजी मेकअप हैक्स, जिन्हें देखते ही मुझे कुछ होने लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने टेस्ट करो और आपको बताऊं कि ये जो है कि वो काम करते हैं या नहीं। और कुछ दिनों से मैं क्या देख रही हूँ कि आपको जो ये टेस्टिंग वेस्टिंग में करती हूँ ये कुछ ज्यादा नहीं पसंद आ रही है। इसी तरह से आप वीडियो को पसंद करते रहे और इसी तरह से मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आती रहूंगी, फिर आप इन्हें और पसंद करना, फिर मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लेके आऊंगी। ये जो कार्यक्रम है ये जारी रहेगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे कौन फॉलो करेगा, आप भी करोगे ना, तो ये मेरी इंस्टा की आईडी है, जाके मुझे भी फॉलो करो। और अब देख लेते हैं हमारे सारे क्रेजी वायरल बियर्ड हैक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक जबरदस्त स्किन केयर रेंज है, और वो है ये वाओ की उपटन स्किन केयर रेंज। वैसे भी ईद आने वाली है और बहुत सारे स्पेशल ऑस्पिशियस ओकेशन भी आने वाले हैं, तो चमकना नहीं चाहते आप चांद की तरह? तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूज करना होगा ये वाओ स्किन साइंस का उपटन फोमिंग फेस वॉश विथ बिल्ट इन फेस ब्रश फॉर डीप क्लीनिंग, हेल्प्स टू क्लीन एंड क्लेरिफाई योर स्किन कॉम्प्लेक्शन। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्रॉपर उपटन में पाई जाती है। तो जेंटली आप सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस से मसाज करें ताकि जो भी डर्ट इम्प्यूरिटीज है वो आपके फेस से प्रॉपरली निकल जाए। और उसके बाद आप यूज करोगे वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस एंड बॉडी पैक, जिसको आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो और पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। सोचो कितना ज्यादा सेफ और नेचुरल है ये पैक। और ये 91.53% नेचुरल डिराइव इंग्रीडियंट से बने हैं। इसके अंदर है चिकपी फ्लावर, टर्मरिक, सेफ्रॉन, आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर और सैंडलवुड ऑयल, विच हेल्प्स टू टोन, रिफाइन योर पोर्स एंड रिवाइव योर डल स्किन, जो आपकी स्किन इरिटेशन को काम करता है, कॉम्प्रेक्शन को निखारता है, टैन रिमूव करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग स्किन इम्परफेक्शन, कंट्रोल एक्सेस ऑयल, प्रिवेंट फाइन लाइंस, ड्राइनेस एंड गिव योर स्किन अ सॉफ्ट ग्लो। 15 मिनट आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करके रखे और जब ये ड्राई हो जाएगा तब आप इसे वॉश कर लीजिए प्लेन वॉटर से फॉर ब्राइट फेस एंड बॉडी। देन आप स्किन को किसी अच्छे मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज भी कर सकते हो। एंड अगर आप थोड़ा सा और ग्लो पाना चाहते हो तो आप ये वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस सीरम यूज कर सकते हो। फेस को थोड़ा सा मॉइस्ट रखे एंड देन 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ सीरम को लेके पूरे फेस पे एंड नेक पे अच्छे से डैबिंग मोशन में अप्लाई करें। जस्ट पैट एंड प्रेस सीरम ऑन टू योर स्किन ताकि ये अच्छे से आपके फेस में पेनिट्रेट हो जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है पैचीनेस, डलनेस, ड्राइनेस को लेके उसको ये हील कर सके। एंड फॉर मोर बेटर रिजल्ट आप इसे डेली ट्वाइस इन अ डे यूज किया करें। और इनके जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, कलर एंड क्रुएल्टी फ्री होते हैं, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी होते हैं। एंड जब भी आप वाओ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसी के साथ आपको ऐसा एक सीड पाउच मिलता है जिसको प्लांट करके आप एक प्राउड प्लांट पेरेंट बन सकते हो। बिकॉज वाओ ने एक ग्रीन हैंड इनिशिएटिव लिया है कि 2022 के एंड तक ये लोग 1 करोड़ टी प्लांट करेंगे, और इनके इस काम में हमें भी इनका साथ देना चाहिए। एंड लेट्स बी वाओ नेचुरली। एंड अगर आप थोड़ा सा और डिस्काउंट पाना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो रौनक20। तो ये वाला हैक मुझे तब यूज करना है जब मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना हो और मेरा फेस, मेरी आईज पफी पफी से हो, तब मुझे इस हैक को यूज करना है। लेकिन कोई मुझे इतना बता दो कि मैं कुकुम्बर को फ्रीज कब करूँ? जल्दी में हूँ ना मैं, तो कब होगा वो फ्रीज, कब मैं इसको अप्लाई करूंगी? कहाँ है जल्दी, यहाँ कहीं में भी जल्दी नहीं दिख रही मुझे। इसका एक अल्टरनेटिव है, आप आइस यूज कर सकते हो, है ना। कोई भी चीज हमें ऐसी अप्लाई करनी जो फ्रीज हो, कूल हो। तो ये आ गई हमारी फ्रोजन कुकुम्बर। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की थी और ये लेमन ग्रीन कलर की है, चलता है कलर से क्या होता है ना। तो मैं इसको अपने आधे फेस पे अप्लाई करूंगी ताकि इसका जो डिफरेंस है वो हम देख सके, ठीक है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा यार। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सिंपली आइस का यूज कर सकते हो, गुआशा का यूज कर सकते हो और आइस रोलर का भी यूज कर सकते हो, सब सेम ही काम करेंगे। रेड कितना हो गया मेरा फेस। तो अगर रेडनेस के अलावा मेरे फेस पे कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ मुझे आप ही कमेंट करके बता सकते हो, तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, हुआ है कुछ रेडनेस के अलावा या नहीं? बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हैक। ओके, तो ये वाले मेकअप हैक को, मेकअप ट्रिक को क्या बोलते हैं मुझे क्या ही पता, मैं भी तो पहली बार देख रही हूँ, मैं भी तो पहली बार ही टेस्ट करने जा रही हूँ ना। तो कंटूर डन है, अब लेंगे थोड़ा सा लाइट शेड। ओके, तो कंसीलर के साथ मैंने फाउंडेशन भी अप्लाई कर लिया है जहां जहां मुझे लगा लगाना चाहिए वहां पे। और वो लड़की जो थी वो ब्लश लगाना भूल गई थी आई मेकअप के साथ, तो हम ब्लश भी अप्लाई करेंगे, ठीक है।
काफी पतली पतली सी नहीं दिख रही मैं, ऐसा मतलब लग रहा है मुझे बिना ब्लेंड किए कि मैं बहुत स्लिम ट्रिम दिख रही हूँ, मेरी जो नोज है बराबर कंटोर हुई है ऐसे होना चाहिए लास्ट में भी, ठीक है। तो अब ब्लेंड करके चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। देखा जाए तो इतना भी वैसा नहीं था, अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, कंटोरिंग भी दिख रही है, ब्लश भी दिख रहा है, आई मेकअप भी दिख रहा है, नोज कंटोरिंग भी लग रही है मुझे। आपको दिख रही है नहीं आप मुझे कमेंट करके बताना। और अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग। और हाँ, अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो हैक है ना, वो मुझे मतलब देख के लग नहीं रहा कि ये कोई हैक है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ हैक। तो पहले हैक को टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताती हूँ ये हैक है या नहीं। देख रहा हूँ कोई भी लिपस्टिक नहीं लगी है मेरे फेस पे कोई भी लिपस्टिक नहीं लगी है मेरे लिप्स पे। ऐसे है मेरे लिप्स, पता नहीं था। और फिर इसके ऊपर अपना करेंगे पाउडर। फेल है, एपिक फेल है। हटो, चलो 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 चलो। तो ये भी एक लिपस्टिक हैक है, इसके पहले वाला तो फेल हो गया था, तो ये ट्राई करके देखते हैं। तो ये आ गया हमारा ब्यूटी ब्लेंडर। और अब हम इसको खाएंगे, होठों से खाएंगे अजीब सी कभी नहीं दिखी मैं, पता है तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा पक्का फेल है, कुछ समझ में नहीं आया। और अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो तो आप टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, शायद आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए शायद मुझे ये हैक टेस्ट करना ना आया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप कर सकते हो। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हैक। ये वाला जो हैक है ना, उसको मैं एक बार पहले भी टेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आप में से कई सारे लोगों ने मुझे ये बोला था कि आपने इस हैक को गलत टेस्ट किया है। तो आज हम इस हैक को वापस से टेस्ट करेंगे और मैं ये चेक करूंगी कि मैंने इस हैक को गलत टेस्ट किया था या सही टेस्ट किया था गलती जाती है इंसानों से जाती है ना गलती, तो आप मुझे इंसान नहीं समझते। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास ना वो स्टील वाला स्पून नहीं है, तो मेरे पास ये क्या बोलते हैं इसे प्लास्टिक वाला स्पून है, तो इससे हम टेस्ट करेंगे। हो जाएगा ना, इससे भी क्या है, स्पून जैसा तो दिखता ही है, दिखता क्या है इसको नहीं है और कलर भी हम वही पिक करेंगे जो इस लड़की ने पिक किया है, इतने इल्जाम नहीं ले सकती मैं सर पे अभी भी वैसा शेप नहीं आया जैसा उस लड़की का आया था। मुझे इतना बता दो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, मुझे स्पून पकड़ना नहीं आ रहा, मुझे ब्रश पकड़ना नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा मुझे ऐसा तो नहीं हो सकता यार। ग्लिटर अप्लाई करके देखते हैं, शायद अच्छा लगे। हर तरह से तसल्ली दूंगी मैं आपको भी और मुझे दोनों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे जैसे जो नौ सिक्के हैं वो ये नहीं कर सकते, जो प्रो अल्ट्रा मैक्स है ना मेकअप की लाइन में, शायद वही ये सब हैक को ट्राई कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ठीक है और बस यही था आज का वीडियो। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक में चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।